UPI issue at India Post Payment Bank। तो दोस्तों मैं IPPB एप्लीकेशन में जैसे जाता हूँ UPI के थ्रू कुछ पैसा इधर उधर करना था, लेकिन मुझको यही वाला प्रॉब्लम आया, UPI issue at Indian Post Payment Bank, और भी काफ़ी सारा लिखा हुआ, लेकिन ये प्रॉब्लम काफ़ी देर तक, यानी कि लगभग एक या दो दिन से ये प्रॉब्लम आ रहा है। काफ़ी सारे लोग इस प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो अगर आपको ये दिक्कत देखने को मिल रही है तो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर इस तरीके का भी एरर आ रहा है, एन एरर हैज़ ऑकर्ड, प्लीज़ ट्राई अगेन, एंड इस तरीके का भी एरर सामने आ रहा है। दोनों में से अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो इन दोनों प्रॉब्लम कैसे फिक्स करना है उसी के बारे में आपको इस वीडियो में सब कुछ देखने को मिलने वाला। आपको एक ट्रिक लगाना है फिर आपका प्रॉब्लम ऑलरेडी फिक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में चलना है, जो आपका सिस्टम का सेटिंग है आपको उस सेटिंग में चलना है। वहाँ पर आने के बाद आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे की तरफ जाना है, यहाँ पर आपको एक सेटिंग ढूंढना है जिसको बोलते हैं IPPB बैंक। तो आपको IPPB का एक सेटिंग मिलेगा, यानी कि सबसे पहले आपको ऐप्स में जाना है। ऐप्स में आने के बाद यहाँ पर आपको ऐप मैनेजमेंट मिलेगा, जैसे आप उसमें आएंगे तुरंत आपको IPPB यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का एप्लीकेशन आपको सर्च करके ढूंढेंगे तो काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। तो सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको उस पर क्लिक करना है, फिर जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे फिर उसके बाद यहाँ पर आपको स्टोरेज यूज़ मिलेगा और आपको तुरंत क्लियर डाटा कर देना। जैसे आप क्लियर डाटा करेंगे आपका एप्लीकेशन जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको तुरंत चलना है उस एप्लीकेशन में, यानी कि IPPB एप्लीकेशन, वहाँ पर जाइए। जाने के बाद आप फिर से दोबारा लॉगिन करिए, उसके बाद आपको प्रॉब्लम फिक्स हुआ देखने को मिलेगा। जैसा कि IPPB जो है वहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं चलता, मैं आपको करके दिखा देता, इतना करने के बाद आपको प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा।